हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक हो? तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आपकी क्लास फोर का मैथ्स का थर्ड चैप्टर। और इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं एक ट्रिप के बारे में, और वो ट्रिप होगी भोपाल के लिए। इसलिए इस चैप्टर का नाम है अ ट्रिप टू भोपाल, यानी कि भोपाल की हम लोग सैर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये आपकी मैथ्स की बुक मैथ मैजिक का थर्ड चैप्टर है, क्लास फोर के बच्चों के लिए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं ट्रिप में होता क्या क्या है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके वीडियो की। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसमें छोटी सी स्टोरी है। अब स्टोरी क्या है वो पढ़ते हैं, और ये जो स्टोरी है ये स्टोरी है आपके ट्रिप से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। टुडे सुगंधा इज अ वेरी एक्साइटेड। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास आर गोइंग ऑन ट्रिप टू भोपाल विद देयर टीचर्स। मिस मीनाक्षी एंड मिस्टर राकेश आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ बसेस नीडेड। आज जो सुगंधा है वो बहुत खुश हो रही है, बहुत एक्साइटेड हो रही है। क्यों? क्योंकि आज उसकी क्लास के सारे बच्चे और टीचर्स जाने वाले हैं ट्रिप पे, और ट्रिप जो होगी ये भोपाल के लिए होगी। ठीक है, और इसके बारे में मिस मीनाक्षी, यानी कि जो उनकी मैम है, मीनाक्षी मैम है, और जो मिस्टर राकेश, जो राकेश सर है, ये लोग बातचीत कर रहे हैं कि कितने बस की हमें जरूरत पड़ेगी। देखो ये रही मैम और ये रहे सर, ये लोग बातचीत कर रहे हैं कि भाई हमें कितने बस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये लोग दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं कि बच्चों के लिए कि भी कितने बस की हमें जरूरत पड़ेगी, कितने बच्चे हैं हमारे पास जिनको हम पिकनिक पे या ट्रिप पे लेके जा रहे हैं। तो मिस मीनाक्षी बोलती है वी विल नीड फोर बसेस, कि हमें फोर बसेस की जरूरत पड़ेगी, मिस मीनाक्षी बोल रही है। और मिस्टर राकेश कह रहे हैं आई थिंक वी नीड एटलीस्ट फाइव, हमें कम से कम पांच बसों की जरूरत पड़ेगी। ये सर बोल रहे हैं, राकेश सर बोल रहे हैं कि भाई हमें कम से कम पांच बस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर मिस मीनाक्षी बोलती हैं ईच बस हैज 50 सीट्स, कि हर बस में 50 सीट है। तो मिस्टर राकेश सर बोलते हैं लेट अस सी हाउ मेनी चिल्ड्रन आर गोइंग, कि पहले ये देख लेते हैं कि भाई कितने बच्चे जा रहे हैं। तो देखते हैं ये जो क्लास है, प्राइमरी क्लास की क्लासेस की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि क्लब वन से लेके फाइव तक की बात हो रही है। क्लास वन में नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने? 33 है। क्लास टू में है 32, फिर क्लास थ्री में है 42, क्लास फोर में है 50, और लास्ट में है क्लास फाइव में 53। यानी कि ये तो हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट, कि पूरे स्कूल में क्लास वन से लेकर के फाइव के बीच में कितने बच्चे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बोला जा रहा है डू वी नीड फोर बसेस। ये बच्ची सोच रही है क्या हमें चार बस उसकी जरूरत पड़ रही है। वन बसेस बस कैन टेक 50 चिल्ड्रन, फोर बसेस कैन टेक 50 × 4, यानी कि एक बस जो है वो अगर 50 स्टूडेंट को लेके जाती है तो फोर बस में कितने बच्चे आ जाएंगे? 50 × 4। तो इस तरह से कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं, एक बच्ची सोच रही है यहाँ पे। तो उसी की थोड़ी सी पिक्चर आ रहा है, उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है वो है यहाँ इमेज। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में इस ट्रिप से रिलेटेड क्वेश्चन क्या कर सकते हैं। तो कॉपी पेन निकाल लो और रेडी हो जाओ फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कुछ इस तरह से। डू वी नीड फोर बसेस? वन बसेस कैन टेक 50 चिल्ड्रन, फोर बस कैन टेक 50 × 4। तो आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया कि आपको बताना है कि वन बस में अगर 50 स्टूडेंट आ रहे हैं, 50 चिल्ड्रन आ रहे हैं वन बस के अंदर, ठीक है, तो आपने बताना है कि अगर फोर बस लेके जा रहे हैं तो हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन सिट इन वन बस, वो टोटल जो फोर बसेस में, तो आपको ये बताना है। तो सोल्यूशन के लिए जो हम लोग कर रहे हैं आंसर लिखेंगे इफ वन बस कैन टेक 50 चिल्ड्रन तो फोर बस कैन टेक 50 × 4। 50 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 51 जा 50, 52 जा 100, 53 जा 150, और 54 जा होता है 200। तो आंसर क्या आएगा? 200 चिल्ड्रन। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे कैलकुलेशन और करके दिखाना है कि 50 को 4 से मल्टीप्लाई करके दिखाना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो स्पेस बचेगा यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाना है। जब ये कैलकुलेशन प्रॉपर दिखाओगे तब जाके आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये कि क्वेश्चन नंबर टू, सो देर आर टोटल ऑफ डैश चिल्ड्रन गोइंग, कि टोटल बताना है कितने बच्चे जा रहे हैं। तो एक बार टेबल को दोबारा देख लेते हैं भाई। ये रहा आपका टेबल जहां से डिसाइड हो रहा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन कौन कितने जा रहे हैं, वो डिसाइड हो रहा है यहाँ से। तो क्लास वन में 33 है, क्लास टू में 32, देन 42, देन 50, 53। तो ये टोटल स्टूडेंट्स हैं। अगर इनको प्लस कर लेते हैं, इनको प्लस कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैंने कुछ इस तरह से किया है, इनको प्लस कर लिया सबको। तो अभी क्या करना है, सब बच्चों को इसे प्लस करना है, यानी कि एडिशन करना है। तो यहाँ लिखेंगे इस तरह से, नंबर ऑफ चिल्ड्रन गोइंग टू ट्रिप, ट्रिप पे जो बच्चे जा रहे हैं वो कितने हैं, 33 प्लस 32 प्लस 42 प्लस 50 प्लस 53, और इन सबको जब प्लस करोगे तो आंसर आएगा 210। कैसे आया, इन सबको ऐड करके, ठीक है। ये क्लास वन का है, फिर क्लास टू का है, फिर क्लास थ्री का है, फिर क्लास फोर का है, और क्लास फाइव का, यानी कि क्लास फाइव में सबसे ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं, अब क्लास टू में सबसे कम बच्चे जा रहे हैं, है ना। ये देखो क्लास टू में 32 है, जबकि क्लास फाइव में कितने हैं, 53। तो जब सबको प्लस कर देंगे तो आंसर आ रहा है 210। क्या आ रहा है, 210, ठीक है। इसे प्लस करके भी दिखाना है आप लोगों को। तो लास्ट में लिखोगे, हैंस देर आर टोटल ऑफ 210 चिल्ड्रन गोइंग, टोटल कितने बच्चे जा रहे हैं, 210 चिल्ड्रन इज गोइंग फॉर ट्रिप। यहाँ ट्रिप भी लिख सकते हैं, गोइंग फॉर ट्रिप, ठीक है। ट्रिप टू भोपाल भी जा लिख सकते हो, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं, भोपाल, ठीक है, ठीक है। ये कहाँ जा रहे हैं बच्चे, भोपाल जा रहे हैं भाई ये सारे बच्चे, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने लिखना है इसे कि भाई टोटल कितने बच्चे जा रहे हैं, टोटल जा रहे हैं भाई, टोटल जा रहे हैं 210 स्टूडेंट जा रहे हैं भोपाल, ठीक है। तो ये कैसे पता लगा हमें, हमने क्या किया, सारे क्लासेस के नंबर ऑफ स्टूडेंट को प्लस कर लिया, ठीक। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये है, थर्ड में इफ देव सेट फोर बसेस, अगर उन्होंने ये सेट गेट फोर बसेस, उनको अगर फोर बस मिल जाती है, कितनी, फोर बस अगर मिल जाती है, हाउ मेनी चिल्ड्रन विल सिट विल गेट सीट। तो आपको ये बताना है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको सीट मिलेगी। कि पहले तो टोटल बच्चे हैं, टोटल 210 बसेस हैं, और बस कितने लेके जा रहे हैं, फोर बस लेके जा रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन विल गेट सीट्स, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको सीट मिलेगी। तो सॉल्यूशन में, आंसर में ऐसे लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ सीट इन फोर बसेस, फोर बसेस में टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, तो ये निकालोगे इस तरह से, 50 एक बस में है, फोर बस के लिए कितने नंबर ऑफ सीट इन फोर बसेस, कितनी बसेस में क्या करो, नंबर ऑफ सीट इन वन बस मल्टीप्लाई बाय फोर। यहाँ पे लिखोगे टोटल नंबर ऑफ सीट इन फोर बस इक्वल टू, यहाँ स्पेस मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने यहाँ नीचे लिखा है, ठीक है, कि नंबर ऑफ सीट इन अ बस, इन अ बस का मतलब है इन वन बस, ठीक है। क्या लिखोगे, इन अ वन बस मल्टीप्लाई बाय फोर। तो वन बस में कितना है, वन बस में 50, तो फोर बस में कितना आ गया, फोर बस में आ गया आपके पास कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब 50 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 200। तो आंसर हो जाएगा, हैंस 200 चिल्ड्रन विल गेट सीट इफ दे गेट फोर बसेस, अगर फोर बस हायर करते हैं, ठीक है, फोर बस लेते हैं, तो 210 में से सिर्फ 200 स्टूडेंट जो होंगे, 200 चिल्ड्रन जो है, सिर्फ उनको ही सीट मिल पाएगी, बाकी बच्चों को सीट नहीं मिल पाएगी, ठीक है। बस की कैपेसिटी कितनी होगी, फोर बस की 200 होगी, ठीक है। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, ये मैं रीड करता हूं, सुनो ध्यान से और इसे नोट भी करना है। अब सोच रहे होगे सर तो इतनी जल्दी पढ़ा दे रहे हैं, हम लोग तो नोट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए क्या है कि वीडियो को पॉज करना है, अब पॉज करके आराम से नोट कर लेना है, और जब नोट कंप्लीट कर लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करना है, ठीक है। चलो अब करें क्वेश्चन नंबर फोर, मैं रीड कर रहा हूं, सुनो। क्वेश्चन नंबर फोर, विल देयर बी एनी चिल्ड्रन लेफ्ट विदाउट सीट, कि आपको ये बताना है कि क्या कोई बच्चा ऐसा भी है जो कि जिनको सीट नहीं मिली, बिना सीट के जो रह गए हैं। हाँ भाई ऐसा तो है, कैसे, इसे लिखेंगे इस तरह, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं आप, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 210 है,
नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 210 है। अच्छा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गेट सीट, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको सीट मिल चुकी है वो कितने हैं, 200। 200 स्टूडेंट इतने हैं ऐसे हैं जिनको सीट मिल गई है, तो रिमेनिंग हमें निकाल लेना है भाई कितने बच गए, तो इनको सब्ट्रैक्शन करेंगे माइनस करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो यानी कि 210 में से माइनस कर दो 200 को तो आंसर क्या आएगा, तो 10 जो एक्स्ट्रा इसके पास है 10 माइनस होके निकल गए, यानी कि 10 चिल्ड्रन। तो फाइनली जो आंसर लिखेंगे कुछ इस तरह से, देयरफॉर 10 चिल्ड्रन आर लेफ्ट विदाउट सीट, यानी कि 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सीट नहीं मिली, क्योंकि 4 बस में हमारे पास टोटल सीट कितनी थी, 200 था, तो बाकी जो एक्स्ट्रा बच्चे हैं 10 बच्चे ऐसे हैं जिनको सीट नहीं मिल पाई। और कैसे निकाला हमने, हमने माइनस करके निकाला, ठीक है। मैथ्स में चार चीजें तो होती है, प्लस कर लो, माइनस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, और उसी की हेल्प से हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यार डिफरेंस निकालना था, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, तो हमने माइनस किया और निकाल लिया अपना आंसर, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से पहले एक पिक्चर दिखा रहा हूं मैं, और इस पिक्चर को ध्यान से देखो, ठीक है। ये कुछ बसेस हैं और ये बच्चे हैं जो लाइन में क्यू में खड़े हैं बस में एंटर करने के लिए, ठीक है। वन बाय वन क्लास क्लास वाइज वो लोग एंटर कर रहे हैं अपनी अपनी बसेस में, ठीक है। चलो देखते हैं भाई क्या है स्टोरी, और नीचे देखो क्वेश्चन मेंशन तो है, पर मैं दोबारा एक बार और लिखवा दूंगा अच्छे से बड़े बड़े लेटर में। नीचे लिखा ना ईच मिनी बस कैन टेक 35 स्टूडेंट, कि अब क्या जो बस आई है हमारे पास, बस बड़ी बस नहीं है, यहाँ पे मिनी बस है। मिनी बस वो होता है जो बड़े बस से छोटा होता है, और इसके अंदर ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती। मान लो अगर बड़े बस में 50 सीट है बड़े वाले बस में, तो मिनी बस में क्या होता है 35 सीट होती है, यानी कि बड़े बस से कम है, कम सीट होने की वजह से इसे मिनी बस बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ईच मिनी बस कैन टेक 35 स्टूडेंट, जितने भी मिनी बस है उसमें 35 स्टूडेंट आ सकते हैं एक बस के अंदर, तो हाउ मेनी मिनी बस आर नीडेड, तब आपको ये बताना है कि कितनी मिनी बसेस हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितने 210 है, और नंबर ऑफ मिनी बसेस कितनी चाहिए हमें, ये कैलकुलेट करना है। तो कुछ इस तरह से होगा क्वेश्चन, देखो आप ध्यान से पिक्चर देख लिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। बस है, बच्चे हैं, आपको बताना है कि छोटी वाली बस अगर मंगवाते हैं जिसमें 35 सीट्स होती है एक बस के अंदर, तो बताना है कितनी बस की जरूरत पड़ेगी 210 स्टूडेंट के लिए। तो इसे कुछ इस तरह से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ईच मिनी बस कैन टेक 35 स्टूडेंट, एक बस के अंदर कितने 35 स्टूडेंट है, ओके। हाउ मेनी मिनी बस आर नीडेड, कितने की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले लिखेंगे हमें आंसर या सोल्यूशन लिखेंगे, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट लिखने, और ये स्टेटमेंट लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग टू द ट्रिप को, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने जो ट्रिप पे जा रहे हैं 210 है, कितना है? ये देखो येलो सर्कल मूव कर रहा हूं ना मैं, ये देखो यहां 210 है टोटल स्टूडेंट, ओके। नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट वन मिनी बस कैन टेक, वन मिनी बस में कितने बच्चे आ सकते हैं 35 आ सकते हैं, टोटल इतने हैं, वन बस में कितने आ सकते हैं 35 आ सकते हैं। चलो अब निकालते हैं आंसर, तो 210 को हम डिवाइड करेंगे 35 से, 35 से क्यों, क्योंकि एक बस में 35 स्टूडेंट आ सकते हैं। कौन सी बस है ये, मिनी बस है, मिनी यानी थोड़ी छोटी बस है, तो ऐसे लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर मिनी बस टू टेक 200 स्टूडेंट्स, कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बसेस कह सकते हैं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनी बसेस टू टेक 200 स्टूडेंट, 200 स्टूडेंट के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी, तो लिखोगे 210 इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हो 210 डिवाइडेड बाय 35, ठीक है। ये 210 हो गया, ये 35 हो गया, और जब इसे डिवाइड करेंगे 35 से तो हमारा आंसर आता है 6, क्या आता है 6 आता है। 35 का अगर टेबल यूज करोगे, या फिर 35 को पहले मल्टीप्लाई करोगे 1 से, 35 आएगा, 35 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 70, 35 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105, ठीक है। इसी तरह जो हम 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया आ जाएगा 175 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब 35 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब देखते हैं भाई क्या आ जाता है, 35 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास आंसर आ रहा है 210, और हमें कितने की जरूरत है
210 की ही जरूरत है, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा 6, यानी कि लिखेंगे देयर फोर 6 मिनी बसेस आर रिक्वायर्ड। कितने बस की जरूरत पड़ेगी हमें? 6 बसेस की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। कितने बस? 6 मिनी बसेस, ठीक है। इस तरह से प्रॉपर लिखोगे। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ जाता है आपके पीरियोडिक 1 में, हाफ ईयरली में, तो आपको अगर ऐसे प्रॉपर तरीके से करते हो तो उसमें अच्छा स्कोर करोगे, पूरे 4 में से 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, स्टोरी में क्या होता है आगे, जब वो बस आ जाती है तो बस में बच्चे बैठ के आगे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब बच्चे सब लोग निकल जाते हैं, जो हम लोग स्टोरी पढ़ रहे थे कि भाई स्टोरी में क्या था कि हम लोग घूमने जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे हम, जा रहे थे भोपाल जा रहे थे, और सब बच्चों के लिए बसेस भी आ गई, ठीक है, और सारे बस इस बस के अंदर बच्चे चढ़ गए, ठीक है, और फिर तैयार हो गए वो जाने के लिए, कहाँ? भोपाल जाएंगे। अब भोपाल जो है बेटा, भोपाल है कैपिटल है मध्य प्रदेश की, एमपी जो हमारे स्टेट है हमारी कंट्री में, बिल्कुल सेंटर में है इंडिया के मैप में मध्य प्रदेश, तो वहां की कैपिटल है भोपाल, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, इफ वी डोंट स्टॉप एनीवेयर, अगर हम कहीं भी नहीं रुकते हैं, ठीक है, कहीं भी नहीं रुकते हैं, वी शुड रीच देयर इन 2 आवर, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पहुंच, कितने बजे पहुंच जाएंगे? हम लोग 2 आवर में, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे जहां हमारा टारगेट है जाने का, यानी भोपाल जाने का। डेट इज अराउंड डैश ओ क्लॉक, जो कि पता नहीं कितने बजे हम पहुंचेंगे लगभग। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जब हम लोग निकले थे स्कूल से, जब निकले थे तब 9 बज रहे थे। कितने बज रहे थे? 9 बज रहे थे, 9 o'clock हो रहा था। और अब ये आपसे बोला जा रहा है कि जब हम लोग पहुंचेंगे तो हमें पहुंचने में एटलीस्ट 2 आवर लगेगा। कितना लगेगा? 2 आवर लगेगा। तो बताना है आपको कब तक पहुंचेंगे, तो ये पहुंचेंगे हम 11 o'clock। अब सोच रहे हो ये 11 o'clock कैसे आ गया, तो मैं ब्रैकेट में इसकी कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। 9 o'clock चले थे हम लोग, ठीक है, और 2 आवर और लग जाएंगे, ठीक है। तो जब हम इसको प्लस करेंगे, ठीक है, जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आया? 11 आया, है ना। देखो 9 o'clock चले थे, 2 आवर हमें लग गए पहुंचने में, और जब इसे प्लस करेंगे तो क्या 11 आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 11 o'clock, ठीक है, समझ में आ गया। 9 बजे चले थे, 2 घंटे लग गए, ठीक है, और जब इसे प्लस करेंगे तो हमें 11 आएगा, यानी कि 11 o'clock हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के नीचे ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके लिए ये है, इफ दे गो टू भीमबेटका, अब भीमबेटका हम लोग घूमने जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम भीमबेटका जा रहे हैं, वहां पेंटिंग वगैरह होता है, प्लेस है भीमबेटका, तो ये टूरिस्ट प्लेस है, कहाँ पे? एमपी में, एमपी का मतलब है मध्य प्रदेश के अंदर भीमबेटका। दे विल रीच देयर बिफोर 10 o'clock, बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock, और आफ्टर 11 o'clock। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई अगर आप लोग जाते हो भीमबेटका, तो ये बताओ भीमबेटका आप 10 o'clock से पहले पहुंच जाओगे, बिफोर 10 o'clock, या बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock, 11 o'clock और 10 o'clock के बीच में पहुंचोगे, या फिर 11 o'clock के बाद में पहुंचोगे। तो कहने का मतलब ये इस क्वेश्चन में ये है, अगर हम लोग भीमबेटका जाना चाहते हैं तो 10 बजे से पहले, या 10 और 11 के बीच में, या फिर 11 बजे के बाद पहुंचेंगे। तो इसका जो आंसर लिखेंगे बेटा, कुछ इस तरह लिखेंगे, इफ दे गो टू भीमबेटका, अगर वो जाते हैं भीमबेटका, दे विल रीच देयर 10 o'clock एंड 11 o'clock, ठीक है, बिटवीन कब पहुंचेंगे? बिटवीन 10 o'clock 11 o'clock। क्यों? क्योंकि जो रास्ता, जिस रास्ते से जा रहे हैं वो लोग अपने स्कूल से जो भोपाल जा रहे हैं, भीमबेटका बिल्कुल उसके बीच में आता है, ठीक है। तो 9 o'clock तो लोग चले थे, ठीक है भाई, और 11 o'clock पहुंच जाएंगे, यानी कि 11 o'clock से तो भैया पहले पहुंच ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भाई पहले पहुंच जाएंगे, क्योंकि 11 o'clock तो भाई हम लोग वहां पहुंच जाएंगे, भोपाल पहुंच जाएंगे, और ये रास्ते में पड़ता है, तो जब रास्ते में पड़ता है तो भाई रास्ते में तो टाइम भी आधा ही लगेगा। तो इसलिए मैंने आंसर लिखवाया आपको 10 o'clock एंड 11 o'clock के बीच में, ठीक है। कब पहुंचेंगे? दे विल रीच देयर बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock, 10 o'clock और 11 o'clock के बीच में पहुंचेंगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हाँ, ये क्वेश्चन नोट भी करना है भाई, ठीक है, ठीक है, वीडियो को बीच में प्रेस करके, पॉज करके आराम से नोट करना, ठीक है, आराम से नोट करो, और इसको समझना भी जरूरी है। तो एक बार वीडियो को समझ लो और नेक्स्ट टाइम दोबारा नोट कर लो, या फिर पॉज करके साथ के साथ भी कर सकते हो,
वीडियो पॉज करो और कर लो काम आराम से, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक बच्ची है जिसका नाम है विक्टोरिया, ठीक है। इस क्लास में एक बच्ची है, जो लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, जितने बच्चे जा रहे हैं उसमें से एक बच्ची है विक्टोरिया। वो कह रही है कि भी सर, कुछ बातचीत हो रही है उसके बीच में, तो वो कुछ बताती है कि सर हम लोग जो पहुंचेंगे, ये जो भोपाल है हमारे स्कूल से, या जो हम लोग डेस्टिनेशन जहां हम ट्रिप के लिए जा रहे हैं, वो जो है वो मतलब उसका जो डिस्टेंस है हमारे स्कूल से, वो बताया जा रहा है कि 756 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली है, मतलब लगभग 756 किलोमीटर है। और ये जो है वो मोर देन हाफ है। कैसे देख लेते हैं भाई कैसे। उसने बोला है वाज, आपको ये बताना है कि जो विक्टोरिया जो बोल रही है सही है गलत है। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं बेटा, सॉल्यूशन से पहले कॉन्सेप्ट ये है कि 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। क्या होता है, 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर, ठीक है। तो हाफ किलोमीटर का मतलब होता है हाफ किलोमीटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 किलोमीटर, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं 1/0.5 किलोमीटर। क्या लिख सकते हैं, 0.5 किलोमीटर, ठीक है। या फिर एक और जो मैंने बताया ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 किलोमीटर भी लिख सकते हैं इस तरह से, या फिर हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि 0.5 किलोमीटर। और 0.5 किलोमीटर का मतलब होता है 500 मीटर। क्या होता है, 500 मीटर इसका मीनिंग होता है। अच्छा अब ये बताया जा रहा है, तो ब्रिज है, जो ब्रिज का जो मीटर, जो रास्ते में हम लोग जा रहे हैं, तो जो बच्चे और टीचर आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो बीच में क्या होता है, एक ब्रिज आता है। अब ब्रिज की जो लेंथ है वो लेंथ आपको दे रखी है कि भाई कितनी है, 756 मीटर इसकी ब्रिज की लेंथ है। स्टोरी जब चल रहा होता है, बातचीत हो रही होती है, तो बीच में बच्चे बातचीत करते हैं अपने टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, तो बोलते हैं सर ये जो ब्रिज है, जो रास्ते में हमें ब्रिज मिला, ठीक है, ये ब्रिज कितना लंबा है सर, खत्म ही नहीं हो रहा। उनके सर ने बोला कि बेटा ये 756 मीटर लॉन्ग है। अच्छा तो विक्टोरिया कह रहे सर ये तो हाफ से ज्यादा है, कि हाफ किलोमीटर से ज्यादा है क्या। तो अब आपको बताना है कि जो विक्टोरिया ने बोला कि हाफ किलोमीटर से ज्यादा है, ये सही या गलत है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो भाई विक्टोरिया ने बिल्कुल सही बोला, कैसे, कि हाफ किलोमीटर के अंदर होता है 500 मीटर, ठीक है, कितना होता है 500 मीटर, और लेंथ ऑफ ब्रिज जो है वो है 756.82 मीटर, यानी कि 500 से ज्यादा है। तो आप ये बोल सकते हो सो 756 इज मोर देन हाफ किलोमीटर, मोर देन हाफ किलोमीटर है, बिकॉज हाफ किलोमीटर इज 500 मीटर, ठीक है, तो ये मोर देन हाफ है, यानी कि हाफ से ज्यादा है, 500 से ज्यादा है। तो आप लिख सकते हो हेंस विक्टोरिया वॉज राइट, तो विक्टोरिया राइट यानी कि बिल्कुल सही बोल रही है विक्टोरिया भाई, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में है, हैव यू एवर क्रॉस्ड अ लॉन्ग ब्रिज। पहले तो आप ये बताओ बेटा कि आपने कभी लॉन्ग ब्रिज क्रॉस किया है, जिस तरह से ये बच्चे पिकनिक पर क्रॉस कर रहे हैं। अगर किया है तो आंसर यस लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। अगर कहोगे सर हम तो कभी घूमने गए ही नहीं है, हमने कोई ब्रिज देखा ही नहीं है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, नो लिख दोगे। अब मुझे तो ये पता है कि मोस्टली जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सब कभी ना कभी कहीं ना कहीं घूमने जरूर गए हैं, और जब घूमने गए हैं तो ब्रिज तो देखा ही होगा, तो मैंने इसलिए आंसर यस लिख दिया। क्या लिखा है, यस लिख दिया, ठीक है। चलो अब देख देते हैं आगे क्या है, आगे ये है अबाउट हाउ मेनी मीटर लॉन्ग वॉज इट। अच्छा अब ये बताओ, जो आप लोगों का जो ब्रिज जो आप लोगों ने देखा वो बताना कितना लेंथ है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस बुक के चैप्टर के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ कि इस चैप्टर में जो लेंथ था ब्रिज का वो कितने 756 है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 756.82 मीटर लॉन्ग, ठीक है। मैंने किसके हिसाब से लिखा, इस चैप्टर के अंदर जो भोपाल के लिए जो ट्रिप पे बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं, एक ट्रिप पे जा रहे हैं, तो उसमें ब्रिज की लेंथ है 756, तो मैंने लिख दिया 756 मीटर्स लॉन्ग, ठीक है। तो ये मैंने एज पर द चैप्टर, एज पर द स्टोरी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सी स्टोरी पढ़ रहे हैं, अ ट्रिप टू भोपाल, जो आपकी बुक मैथ मैजिक की एनसीईआरटी बुक में है, क्लास 4 की बुक में, सब्जेक्ट कौन से, मैथ्स, ठीक है। तो यहां से, और कौन पढ़ा रहे हैं, तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके, कृष्णा सर, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब 10 में क्या है भाई, 10 क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं,
ठीक है, पहले रीड करेंगे, फिर क्वेश्चन को समझेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑफ नर्मदा इन रेनी सीजन एंड हाउ। अच्छा, लास्ट में जब वो लोग जा रहे होते हैं एमपी में, क्या है कि एमपी में एक रिवर है और उस रिवर का नाम है नर्मदा, जो कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में बहता है। ठीक है, तो बच्चे उस जो ब्रिज क्रॉस कर रहे थे, वो ब्रिज जो बना हुआ था नर्मदा रिवर के ऊपर बना हुआ है, तो बच्चे अपने सर से पूछते हैं, सर ये क्या पानी कितना भरता है सर, इसके अंदर कितना पानी आता है सर, जरा बताओ तो सर, इस तरह से पूछते हैं अपने टीचर से। तो उनके सर बताते हैं, क्योंकि बेटा जब बारिश होती है बहुत ज़्यादा, तब इसकी जो हाइट है पानी की, जो वाटर की जो हाइट है, वो पहुंच जाती है 40 मीटर मैक्सिमम। और जब रेनी सीजन नहीं होता, नॉर्मल सीजन होता है, तो नॉर्मल सीजन में हो जाता है ये 15 मीटर। दोबारा बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से। बच्चे पूछते हैं कि सर इस कितना पानी है सर इस रिवर के अंदर, नर्मदा रिवर के अंदर। बच्चे पूछते हैं, बातचीत होती है उनकी आपस में, तो सर बताते हैं उनके जो टीचर मैम सर जो भी टीचर हैं उनके, वो बोलते हैं कि बेटा जब बारिश होती है तब तो इसकी हाइट हो जाती है 40 मीटर। ओके, और जब बारिश नहीं होती, नॉर्मल डेज है यानी कि जब बिना बरसात वाले दिन है, यानी कि जब बारिश नहीं होती है, तब इसके अंदर जो पानी होता है वो हो जाता है 15 मीटर होता है। ठीक है, जब बारिश में ज़्यादा हो जाता है, बिना जब बारिश नहीं होती तब कम हो जाता है। ये तो आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल। आपको जो वाटर लेवल ऑफ नर्मदा है उसका वाटर लेवल बताना है, कब का, इन रेनी सीजन, ठीक है, और नॉर्मल डेज में, जब नॉर्मल डेज का और रेनी सीजन का, दोनों का डिफरेंस बताना है। तो हम ये कुछ इस तरह से करेंगे, क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन लिखने के बाद सोल्यूशन कुछ इस तरह से करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑफ नर्मदा इन रेनी सीजन एंड नाउ, अभी करंट में यानी कि जब बारिश नहीं हो रही है, और जब बारिश होगी तब तक होती है, तब तक का डिफरेंस होगा 40 माइनस 15। 40 क्यों है, 40 है जो हाईएस्ट थी तब बारिश का लेवल आ जाता है, और नॉर्मल जो कि अभी जो है इसका लेवल ये है 15 मीटर। तो दोनों को जब माइनस करेंगे, यानी कि 40 में से 15 को माइनस करोगे, ठीक है, 40 में से 15 को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 25। कितना आएगा 25। तो फिर हम आंसर लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, हेंस वाटर लेवल बिटवीन रेनी सीजन एंड नाउ, अभी और रेनी सीजन में जो वाटर लेवल का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो है इन नर्मदा इज 25 मीटर्स। क्या है, 25 मीटर्स है, ठीक है, 25 मीटर इनका डिफरेंस है वाटर लेवल का। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले मैं फिर से एक पिक्चर दिखाऊंगा, और उस पिक्चर में देखो आगे क्या होता है स्टोरी में। तो स्टोरी में भाई हम लोग स्कूल से निकले, बस में बैठे हैं, बस में कुछ बच्चे टीचर आपस में बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत करते करते कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टीचर उनके क्वेश्चन को मतलब आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से बीच बीच में उनकी बातचीत चलती रहती है, और इस बीच में जो ड्राइवर अंकल है वो कहते हैं, भाई आप कम क्या करेंगे, पेट्रोल डलवाएंगे गाड़ी में। जैसे हम लोगों को भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं ना, तो अंकल कह रहे हैं कि भाई हम तो पेट्रोल डालेंगे अभी गाड़ी में भाई, तब गाड़ी आगे जाएगी भाई, नहीं तो चल ही नहीं पाएंगे। ठीक है भाई, तो वो लोग यहाँ रुकते हैं, जब रुकते हैं तो देखो क्या क्या होता है। तो ये अंकल डाल रहे हैं पेट्रोल गाड़ी में, बाकी और भी देखो कोई और दूसरे अंकल है जो हेलमेट पहन रखा है इन्होंने अपने स्कूटर के अंदर, बोल रहे हैं कि भाई पेट्रोल डाल दो, तो एक दूसरे अंकल है वो डाल रहे हैं। तो इस बीच में ये होता है, हे इट हैज सच ए बिग टमी, इट वॉज ऑलरेडी टेकन 100 लीटर। तो ये कह रहे हैं, ये तो भाई बहुत बड़ी टमी है इसकी, तरह से ये भी क्या है, क्या है, टमी है इस तरह से, जैसे ये जो आपका जो टंकी है बस के अंदर जो पेट्रोल या जो भी डीजल वगैरह जो फ्यूल यूज होता है, तो वो सब क्या है, एक तरह से ये टमी, वो सब खाने वाली टमी है। तो बच्चे बोल रहे हैं कि भाई ये बस के अंदर भी एक टंकी सी होती जो है उसको टमी है, और कह रहे हैं ये जो है पता नहीं क्या है भाई, ये क्या है, ये मशीन है जिसके अंदर आपको पेट्रोल कितना और डीजल कितना वगैरह दिखता है। ठीक है, और इसके अंदर रखा होता है, और ये मीटर लगा होता है जिससे पता लगता है कि आपने कितना पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाया है। ठीक है, तो इस अंकल से बातचीत करते हैं, कहते हैं अंकल ये भी एक टमी है ना, ये भी एक तरह से टमी यानी कि पेट है इसका, तो जिसके अंदर इसने पेट्रोल खा रखा है। तो भाई ऐसे बोलते हैं बच्चे। ठीक है, अच्छा, सो वी हैव टू पे 35। अच्छा, अब उसके बाद क्या कि ये लोग जो है, जो अंकल जो है, जो मतलब जो ड्राइवर अंकल जो इसमें पेट्रोल डलवाने आए थे, तो वो बता रहे कि भाई हमने लिया है 100 लीटर पेट्रोल ले लिया, और 100 लीटर जो पेट्रोल है उसका कॉस्ट देखो, ये देखो ये दिख रहा है 3500 रुपीज़ है। कितना है 3500 रुपीज़ जो पेट्रोल डीजल, अच्छा इन्होंने डीजल खरीदा भाई, पेट्रोल तो यहाँ मिल रहा है,
इन्होंने डीजल डलवाया कितना, 100 रुपीज का, 100 लीटर है और 3500 रुपीज लगे हैं। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं इसके, देखो। तो क्वेश्चन आपके लिए ये है, चलो देखते हैं क्या है भाई क्वेश्चन। तो अभी जो बीच में जो रुक करके पेट्रोल डलवाया जा रहा है, उस बीच में क्या क्या हो रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ईच बस टेक्स अबाउट 15 मिनट टू फिल एंड देर आर टू बसेस टू बी फिल्ड रिफिल्ड, सो दे स्टॉप देयर फॉर अबाउट डैश मिनट, विच मीन्स दे आर लेट बाय डैश मिनट। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि भाई ये जो बसेस हैं, जितनी भी बस निकली है, उसमें से दो बस ऐसी हैं जिनको अभी पेट्रोल डलवानी है। क्या डलवाना है? पेट्रोल डलवाना है, ठीक है भाई। और एक बस में जो पेट्रोल डलने का जो टाइम लगता है वो लगता है 15 मिनट। ठीक है, कितना लगता है? 15 मिनट। तो आपको बताना है कि भाई कि जो बस रुकी हुई है कितनी देर तक रुकेगी, ठीक है। और उसके बाद ये बताना है, ये दोनों बस रुकेगी, दोनों साथ में चलेगी वैसे, तो ये बताना है कि बस कितनी देर तक रुकेगी पेट्रोल भरवाने के लिए। अच्छा, और फिर जब रुकेगी तो भैया बस तो चलेगी ही नहीं, और जब बस नहीं चलेगी तो भाई फिर लेट हो जाएंगे, और जब लेट हो जाएंगे तो ये बताओ कितनी देर लेट हो जाएंगे हम। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो यहां लिखोगे आंसर में, टाइम टेकन टू रिफिल वन बस, कि वन बस में रिफिल करने के लिए, वन बस में पेट्रोल डीजल या जो भी फ्यूल है उसको फिल करने के लिए लगते हैं 15 मिनट। तो टू बस के लिए, टू बस के लिए लिखो टू रिफिल टू बसेस, टू बसेस में फिल करने के लिए लगेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 15। तो जब 15 के टेबल आपको अच्छे से आते हैं तो आप इजीली कर लोगे, 15 1 जा 15, 15 2 जा 13, तो लिखोगे 30 मिनट। कितना टाइम लगेगा? 30 मिनट लगे, तो यहां तो लिख दोगे 30 मिनट। अच्छा, अब देखो 30 मिनट लेट भी हो गए, यहां तो लोगे 30 मिनट, पर नीचे लिखोगे इसके बाद, सो दे स्टॉप देयर अबाउट 30 मिनट। वो वहां पे कितनी देर तक कम से कम रुकेंगे? 30 मिनट रुकेंगे। क्यों रुकेंगे? ताकि पेट्रोल को या डीजल को जो भी फ्यूल यूज करने वाले हैं बस के लिए, उसे फिल करवा सके। विच मीन्स दे आर लेट बाय अबाउट 30 मिनट्स। इसका मतलब ये हुआ कि वो 30 मिनट रुकेंगे और लेट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 9 o'clock चले थे, 11 o'clock पहुंचना था, लेकिन अब वो 11 o'clock नहीं पहुंचेंगे। कब पहुंचेंगे? आधा घंटा लेट, यानी कि 11:30 हो जाएंगे इनको पहुंचते पहुंचते। लेट हो गए भाई आधा घंटा पेट्रोल डलवाने के चक्कर में, है ना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 12, लुक इन द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल। अच्छा, अब पिक्चर को देखो, अब आप ये बताओ कि भाई 1 लीटर का कॉस्ट कितना है डीजल का। चलो भी देखते हैं पिक्चर क्या है। तो ये रहा पिक्चर जो मैं पहले दिखा चुका हूँ। ठीक है, इस पिक्चर के अंदर आपको 1 लीटर का कॉस्ट बताना है। अब 3500 जो है, ये जो देखो यहाँ पे 3500 डीजल लिखा हुआ है ना, नीचे डीजल लिखा हुआ है ₹30। 3500 है किसका कॉस्ट? ये कॉस्ट है 100 लीटर का। ठीक है, 100 लीटर का कॉस्ट कितना है? 3500। तो हमें निकालना है 1 लीटर का। तो 1 लीटर के लिए क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कैसे? जरा देखो भाई कैसे करेंगे। तो पर ये पता लगे 35 कहाँ से आए? 35 ये रहा, हमने ये रीडिंग मीटर जो है यहाँ से देखा हमने। ठीक है, जहां से ये रीडिंग दिख रही है हमें, और ये भाई लीटर दिख रखा है कितनी क्वांटिटी है। तो देखो इस तरह से करिए, टोटल क्वांटिटी ऑफ डीजल फिल्ड, टोटल क्वांटिटी जो डीजल फिल्ड की गई थी बस के अंदर, वो की गई थी 100 लीटर। ओके, द कॉस्ट ऑफ 100 लीटर ऑफ डीजल इज 3500। कॉस्ट यानी कि इसकी पेमेंट जो की गई इसके बदले में, वो 3500 किया गया। अच्छा, अब हमें बताना है कि कॉस्ट 1 लीटर का, तो 1 लीटर के कॉस्ट के लिए लिखेंगे 1 लीटर ऑफ डीजल इज इक्वल टू ₹3500 / 100। 3500 को किसे डिवाइड किया? 100। 100 कहाँ से आया? 100 इसकी क्वांटिटी है, और 3500 कहाँ से आया? ये भाई अमाउंट पेमेंट जो हमने की थी। तो जब डिवाइड करेंगे 100 को 100 से, तो 0 0 कैंसिल, बचा क्या? 35। तो आंसर आ जाएगा, देयर फोर द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल इज 3500। इसे डिवाइड करके भी दिखा सकते हैं, और हाँ, जो 35 को नीचे डिवाइड में 100 लिखोगे तो भाई 0 0 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 35। तो हमारा आंसर क्या है? ₹35। इट मीन्स ₹35 per liter इसका कॉस्ट। ये भाई पुराना कॉस्ट है भाई, जब ये बुक बनी थी। ठीक है, अब ये मत बोलना सर हमारे हमारे पापा जब डलवाते हैं तब तो ज़्यादा लगता है। तो भैया जब ये तब की बात है जब ये बुक छपी थी, ठीक है, अब तो रेट बढ़ गए हैं। ठीक
ठीक है, ये मत कहना कि सर आप क्या बता रहे हो सर, तो मतलब हम लोग पेट्रोल पंप जाते हैं वहां तो कुछ और है, तो समझ में, ये कब की बात हो रही है, जब ये बुक लिखी गई थी, बुक तो पुरानी है ना, तो रेट भी पुराना है। चलो अब देखो नेक्स्ट पिक्चर। इस नेक्स्ट पिक्चर में भाई कुछ एनिमल है और उस एनिमल के भाई वो लोग काउंट कर रहे हैं, कुछ बच्चे किसको काउंट कर रहे हैं, बिसन को काउंट कर रहे हैं, बिसन्स को और डियर को, ठीक है, तो इसे काउंट कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे ने काउंट किया 1 2 3 ऐसे करते 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 37 बिशन हैं और डियर कितने हैं, 117 डियर्स हैं, ठीक है। ये वो लोग जो घूमने गए थे भीमबेटका के लिए जा रहे हैं, भोपाल जो जा रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पे काउंट किया भी, जो क्या नाम है एनिमल्स को काउंट करना शुरू कर दिया कुछ बच्चों ने, एक लड़के ने काउंट किया भाई जो बिशन्स हैं वो हैं 37 और एक बच्ची ने काउंट किया डियर वो है 117। आप लोग भी जाते हो तो काउंट करते हो, करते हो, वेरी गुड। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ मेनी मोर डियर आर देयर देन बिशन, कि डियर कितनी ज्यादा है ये कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ डियर जो कि है 117 है, ठीक है, और नंबर ऑफ बिशन्स वो कितने हैं 37 है, यानी कि डियर 117 है, बिशन कितने हैं 37, निकालना क्या डिफरेंस, तो डिफरेंस के लिए निकालोगे माइनस, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ डियर मोर देन बिशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डियर, जितनी भी डियर है पहले वो लिखेंगे, फिर जिन नंबर ऑफ बिशन जितनी है वो लिखेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, और जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 80। कैसे, 117 में हमने माइनस किया है 37 को, 117 में 37 माइनस करोगे तो बेटा आएगा 80, यानी कि देर आर 80 मोर डियर देन बिशन, कि भी 80 डियर्स ज्यादा हैं बिशन के कंपेरिजन में, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13, जहां हमें इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना था, डिफरेंस का मीनिंग है माइनस करना है, ठीक है, याद रखना भाई। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन को एक बार देखो अच्छे से, रीड करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ये है, दे हैव स्पेंड 1 आवर देयर, व्हाट इज द टाइम। अब आपको ये बताना है कि भाई अगर उन्होंने 1 घंटा स्पेंड किया है तो कितना तक टाइम हो गए, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन के हिसाब से है, व्हाट इज द टाइम, तो आपको बताना है, सिंस इट इज गिवन दैट दे रीच भीमबेटका एट 11 o'clock, जो भीमबेटका है बीच में, तो वो लोग भीमबेटका पहुंच गए हैं 11 o'clock, यानी कि 11 बजे पहुंच गए हैं, और वहां पे उन्होंने 1 घंटा रुके हैं, रुकने का मतलब है वहां घूम रहे हैं, ठीक है। तो 1 घंटा भीमबेटका में घूम घूमा उन्होंने, मजे किए वहां पे, एंजॉय किया, ठीक है, यानी कि वहां पे 1 घंटा रुक करके वहां ने उन बच्चों ने घूमा, सैर किया, तो बताओ टाइम कितना हो रहा है, तो भाई 11 + 1 हो जाएगा, यानी कि 11 o'clock + 1 hour, तो ये आ गया 12 o'clock। बहुत ईजी है, सिंपल कैलकुलेशन है, 11 बजे पहुंच गए, 1 घंटा वहां पे घूमा, यानी कि 12 बज गए, तो यहाँ पे हो गया भीमबेटका में कितना टाइम हो गया, अब उनको 12 o'clock हो गया, यानी कि 12 बज गए। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़ा लग रहा है भाई, इसको समझ लेना भाई, और बहुत इजी है, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं बहुत इजी है। तो भाई जब हम लोग घूमेंगे वहां पे, घूमते घूमते भाई बच्चों को भूख लग गई, और जब भूख लग जाती है तो क्या करते हैं भाई, खाना खाना पड़ता है, तो उनके टीचर्स ने कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ईच चाइल्ड इज गिवन 1 ऑरेंज 1 बनाना एंड 5 बिस्कुट, हर बच्चे को 1 ऑरेंज मिला है, 1 बनाना मिला है और 5 बिस्कुट मिला है। ऑल द चिल्ड्रन टेक ऑरेंजेस बिस्किट बट 38 स्टूडेंट डू नॉट टेक बनाना। अच्छा, सब बच्चों ने ऑरेंज भी लिया और बिस्किट भी लिया, लेकिन 38 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बनाना लिया ही नहीं, उनको पसंद नहीं है भाई, ऐसा लग रहा है। हाउ मेनी ऑरेंज बिस्कुट एंड बनाना आर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आपको बताना है कि बनाना और बिस्कुट कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, हर बच्चे को ऑरेंज बनाना और बिस्कुट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ऑरेंज कितना हो रहा है 1 हर एक बच्चे को, बनाना भी 1 हो रहा है और बिस्कुट 5, ठीक है, लेकिन 38 स्टूडेंट या चिल्ड्रन ऐसे हैं जिन्होंने भाई लेने से ही मना कर दिया बनाना, क्योंकि उनको पसंद नहीं है बनाना, ठीक है। तो आपको बताना है कि भाई ऑरेंज बिस्कुट और बनाना कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वहाँ पर, ठीक है, उनके सर ने जो डिस्ट्रीब्यूट करे कितने करे। तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गोइंग फॉर ट्रिप कितने हैं, 210, तो 210 लिख दिया। फिर लिखेंगे हम लोग ईच स्टूडेंट वॉज गिवन 1 बनाना 1 ऑरेंज एंड 5 बिस्कुट, हर बच्चे को 1 ऑरेंज 1 बनाना एंड 5 बिस्कुट मिल गया, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में। तो हेंस टोटल नंबर ऑफ
ऑरेंज डिस्ट्रीब्यूट, पहले तो ऑरेंज का निकाल लेते हैं। तो ऑरेंज जो अगर डिस्ट्रीब्यूट होने थे 210 होने थे, ठीक है, तो 210 आ सकता था आंसर, पर 38 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने भी लेने से ही मना कर दिया। तो मना कर दिया तो भाई नहीं लिया, तो यानी कि 210 में से हम लोग क्या करेंगे, 38 माइनस कर देंगे। जब माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 172। ये तो हो गया किसका, बनाना का हो गया, कि 30 मतलब ऑरेंज तो सबने ले लिया, ठीक है, ऑरेंज तो सबने लिया था इसलिए 210 आ गया। लेकिन बनाना में क्या हुआ, 210 इसका भी आता, सब लेते तो, लेकिन 38 बच्चों ने लिया ही नहीं तो वो माइनस कर दिया हमने, तो 172 आ गया, ठीक है। और लास्ट में भाई बच्चे जो बिस्कुट लिया है, तो बिस्कुट के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, हर बच्चे ने 5 बिस्कुट लिए, ठीक है, हर बच्चे ने 5 बिस्कुट लिए, 5 5 बिस्कुट सब बच्चों को मिला है, तो 210 स्टूडेंट है, तो 210 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 5 से, तो आंसर आ जाएगा 1050। जीरो जीरो को 5 से करेंगे तो जीरो आ गया, 5 वन जा 5 5 आ गया, अब 5 टू जा 10 तो 10 आ गया, यानी कि आंसर क्या है, 1050, यानी कि 1050 आ गया। लास्ट में फाइनल एक आंसर लिख सकते हो, 200 कितना डिस्ट्रीब्यूट, 210 ऑरेंज डिस्ट्रीब्यूट हुए, 172 बनाना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और 1050 बिस्कुट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बच्चों के बीच में, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा लग रहा है, पर ये स्कोरिंग भी है इसलिए अच्छे से समझ लेना इसे, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 15 कर लिया, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक मिनट, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 में है आपके लिए, टेल मी द नंबर ऑफ व्हिच इज एग्जैक्टली बिटवीन 100 एंड 150। अच्छा अब ये थोड़ा सा मैथ्स का नॉर्मल क्वेश्चन हो गया भाई, इसमें ये बताना कि 100 और 150 के बीच में एग्जैक्टली इसके बीच में कौन सा नंबर आता है, ठीक है। मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, 100 और 150 के बीच में एग्जैक्टली बीच में कौन सा नंबर आता है, तो भाई इनके बीच में जो एग्जैक्ट बीच में जो नंबर आता है, जैसे मान लो आपके पास 1 से लेके 5 तक काउंटिंग है, मैं बोल रहा हूँ कि 1 से लेके 5 तक की काउंटिंग बीच में क्या आता है, तो आप कहोगे सर 3 आता है, कैसे, टू इधर, तो वैसे ही 100 और 100 के बीच में जो नंबर आता है वो आता है 125। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें बताना था बीच में क्या आता है, तो इसे लिख करके भी कर सकते हो और इस तरह डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो मैंने लिख दिया यहाँ 125, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, व्हाट नंबर कैन यू यूज मेक यूजिंग 3, 5 एंड 7, कि आप क्या नंबर बना सकते हो इनकी हेल्प से, किसकी हेल्प से, 3, 5 और 7 डिजिट को यूज करके, 3, 5 एंड 7 यूज करके हमें नंबर बनाना है, किस किस को, 3, 5 एंड 7, यू कैन मेक 357, ओके, एंड 537, आप लिख सकते हो 357 और 537, और व्हाट अदर, इसके अलावा क्या है, तो देखो सबसे पहले 3 यूज कर चुके हैं, 5 भी यूज कर चुके हैं, यानी कि 3 और 5 यूज कर सके पहले नंबर पे, तो इसे तो यूज हम नहीं करेंगे, इसकी जगह कुछ और यूज कर सकते हैं, कुछ और का मतलब है 3, 5 नहीं करेंगे तो 7 यूज कर सकते हैं, है ना। तो देखो जब 7 यूज करेंगे तो 7 पहले लिख दिया मैंने इधर लास्ट वाला, देखो सबसे सॉल्यूशन आंसर में 3, 5, देखो 3 भी सबसे पहले लिखा है, 3 सबसे पहले लिखा है, 5 पहले लिखा है, तो ऐसा करते हैं सबसे पहले 5 और 3 को छोड़ के लिख देते हैं, जो लास्ट में जो लिखा हुआ है, देखो 7 पहले आ गया, एक बार 5 एक बार 3, और दूसरे बारे में इसमें क्या किया है कि 7 के साथ पहले 3 ना लिखे, पहले 5 ना लिख के 3 लिख दिया है और उसके बाद 5, ठीक है, यानी कि 7 को एक बार क्या करो पहले पहले लिख दो, एक बार 3 पहले लिख दो 5 बाद में, और एक बार 5 पहले लिख दो 3 बाद में, तो ये दोनों तो समझ में आ गया भाई, ऐसा हो सकता है। और नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं कि देखो सेकंड प्लेस पे देखो भाई किस पे, देखो सेकंड प्लेस पे, देखो सेकंड प्लेस पे क्या है, सेकंड प्लेस पे एक बार 5 है एक बार 3 है, एक बार क्या है 5 और एक बार 3 है, ठीक है भाई। तो जब जब क्या नाम है 5 है तो हम लोग क्या करते हैं, 7 नहीं है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे 7 नहीं लिखा ना, बीच में 7 यहाँ पे भी नहीं है, 7 यहाँ पे भी नहीं है, तो देखो मैंने ऐसे ही नंबर यूज किया, बीच में 7 यूज कर दिया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, एक बार आगे 3, एक बार आगे 5 लिख दिया है और पीछे 3 लिख दिया, और दूसरी बार क्या किया, 3 को आगे कर दिया 5 को पीछे कर दिया। तो ये कुछ नंबर्स है जो हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं बाय यूजिंग 3, 5 एंड 7, 3, 5 और 7 को यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इन दोनों नंबर से अलग है, तो फर्स्ट नंबर हमारा हो गया 375, कैसे, कि पहले 7 को बीच में रखा है, एक बार 3 आगे एक बार 5 पीछे, अगेन 7 को बीच में रखा है
एक जो अब रखा था यहाँ थ्री आगे रखा था, अब थ्री को हमने क्या किया पीछे कर दिया और फाइव को आगे लिया है, और नेक्स्ट में क्या है बीच में हमने थ्री रख दिया, सेवन आगे फाइव पीछे, अब उल्टा कर दिया, फाइव को रहने दिया ऐसे ही। अब क्या किया हमने, ये जो सेवन के साथ जो थ्री फाइव था अब इसकी जगह कर दिया हमने फाइव थ्री कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। एक बार दोबारा रिपीट करने के लिए क्या कर सकते हो, पीछे जाके सुन सकते हो बच्चे, ठीक है। रिमोट कंट्रोल तो आपके पास है, जितनी बार चाहना चाहते हो उतनी बार देख सकते हो, है ना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो 18 क्वेश्चन आपके लिए है, आई हैव फोर टॉफीज ईच टू फोर ऑफ माई फ्रेंड। भाई मेरे पास क्या है कि टॉफी है, ठीक है, मेरे पास क्या है टॉफी है भाई, और ये जो टॉफी है फोर टॉफी ईच टू फोर ऑफ माई फ्रेंड, कि मेरे पास क्या है कि हर एक मेरे दोस्त के लिए चार चार टॉफी है, एंड थ्री टॉफी आर लेफ्ट विद मी। अच्छा, हर दोस्त को चार चार टॉफी बांटने के बाद भी मेरे पास तीन टॉफी अभी भी बच गई है। चार दोस्त हैं, चारों दोस्त को चार चार टॉफी दूंगा मैं, तब भी मेरे पास तीन टॉफी अभी भी बच गई है। तो आपको बताना है कि टोटल टॉफी कितनी है मेरे पास, समझ में आया। अब मेरे पास है चार दोस्त, ठीक है, हर दोस्त को मैं चार चार टॉफी दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद चारों दोस्त को चार चार टॉफी देने के बावजूद मेरे पास तीन एक्स्ट्रा अभी भी बच गई है जो मेरे लिए। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टॉफी कितनी है आपके, नंबर ऑफ फ्रेंड और टॉफी कितनी, टॉफी तो आपके पास कितनी है फोर पर हेड है हर एक दोस्त को, चार दोस्त को कितनी टॉफी मिलनी है फोर टॉफी मिलनी है, तो ये लिख दिया पहले। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ टॉफी लेफ्ट, जो टॉफी बची हुई है यानी कि हम मेरे पास है थ्री है, हर एक दोस्त को कितनी मिलेगी चार मिलेगी। अच्छा मेरे पास कितनी बच गई तीन बच गई, अब निकालते हैं भाई टोटल कैसे निकालेंगे। टोटल के लिए लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ टॉफी, नंबर ऑफ टॉफी आई गेव टू माई फोर फ्रेंड, नंबर ऑफ टॉफी जो मैंने अपने दोस्तों को बांटी प्लस जो टॉफी मेरे पास रह गई, यानी कि नंबर ऑफ टॉफी लेफ्ट विद मी जो मेरे पास रह गई। तो फोर दोस्त को फोर टॉफी, यानी फोर मल्टीप्लाई बाई फोर प्लस थ्री, थ्री क्यू थ्री हमारे पास बचा हुआ है, तो सिक्सटीन आ गया फोर मल्टीप्लाई बाई फोर, फोर या सिक्सटीन प्लस थ्री यानी कि नाइनटीन हो गया, तो लिखेंगे नाइनटीन टॉफीज। फाइनली जो आंसर होगा देयर फोर टोटल नंबर ऑफ टॉफीज आई हैव नाइनटीन, कितनी टॉफी है नाइनटीन टॉफी है, इजी है ना। चार टॉफी चार दोस्त को 16 हो गई, एक टॉफी तीन टॉफी अपने लिए 19 होगी प्लस करने के बाद, बस इतना इजी था। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या है समझते हैं पहले क्वेश्चन को, ठीक है, मैं रीड कर रहा हूँ। नंबर बिकम डबल इफ इट इज इंक्रीज बाय 8, एक नंबर है अगर उसको हम डबल कर देते हैं, डबल करने का मतलब है उसको उसके साथ ही ऐड कर देते हैं, तो वो कितना ऐड करते हैं उसके 8 ऐड करते हैं, व्हाट इज द नंबर। तो नंबर भाई जैसे 8 में 8 ऐड कर दो, 8 में क्या करो 8 ही ऐड कर दो, डबल करने का मतलब है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर उसको उसके साथ ही ऐड कर लो, तो डबल होने के बाद आंसर क्या आएगा, तो 16 आ जा रहा है, ठीक है। तो विच इज द डबल ऑफ 8, तो 8 का डबल अगर हम करते हैं तो वो नंबर क्या है 8 ही नंबर है, और 8 को ही अगर हम डबल करेंगे, 8 को 8 से प्लस करेंगे तो 16 आ जाते हैं, यानी कि 8 एक्स्ट्रा हो जाता है ना। तो नंबर हमारे पास क्या हो जाए 8 हो जाएगा, यानी कि 8 में अगर 8 इंक्रीज करोगे तो वो डबल हो जाता है, हो जाता है डबल, हाँ बिल्कुल हो जाता है भाई। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस ऐसे ही आप लोगों को परेशान करने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, ठीक है। लेकिन हाँ समझना जरूरी है क्वेश्चन में कि डबल का मतलब क्या है, डबल का मतलब है सेम नंबर को सेम नंबर से ऐड करने का, यानी कि 8 को 8 से 8 में ऐड करोगे, ठीक है, तो बीच में क्या बन जाएगा वो डबल डबल बन जाएगा, तो नंबर विल बी, नंबर तो 8 है देखो ये राइट, डबल किया 16, हाँ डबल हो गया भाई 16, ठीक है, यानी कि सेम नंबर में सेम नंबर प्लस करते हैं। अगर क्वेश्चन में 8 की जगह 9 होता तो भाई हम क्या करते हैं 9 प्लस 9 करते हैं, अगर इस क्वेश्चन में 10 होता तो क्या करते हैं 10 प्लस 10 करते हैं, डबल करने के लिए सेम नंबर में सेम नंबर ऐड करना होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अभी थोड़ा सा भाई वर्ड प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनना, लेट में भी आ जाता है ये, लेट में हाफ ईयरली में पीरियोडिक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं परेशान करने के लिए, समझ लो इनको। थिंक ऑफ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 3 एंड 5 एंड कम बिटवीन 25 एंड 50। आपको एक नंबर बताना है जो कि 3 से और 5 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 से 3 से 5 से, और क्या क्या आंसर आना चाहिए, उस जो नंबर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए 25 से 50 के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, द नंबर बिटवीन 25 एंड 50, 25 से और 50 के बीच में जो नंबर आ सकते हैं वो नंबर क्या क्या हो सकते हैं, वो नंबर हो सकते हैं जो कि 2 से 3 से और 5 से डिविजुअल होने होने हो सकते हैं। तो आप लिख सकते हो वो नंबर क्या क्या हो सकते हैं जो 2 से डिविजुअल हैं, 2 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं,
देखो 25 से लेकर के 50 के बीच में मैं नंबर लिख रहा हूँ, और नंबर कौन से लिख रहा हूँ जो कि 2 से डिवाइड हो सके। 2 से डिवाइड होने का मतलब है इवन नंबर, तो मैंने लिखा 26, 28। आप कहोगे सर 27 गायब कर दिया आपने, 28 गायब कर दिया। गायब इसलिए किया है क्योंकि वो इवन नंबर नहीं है, ठीक है, वो ऑड नंबर है। तो मैं जो 2 से डिविजिबल लिखना है तो मैं इवन लिख रहा हूँ, 26, 28, 30, फिर 32, 34, इस तरह से 48 तक के नंबर है। अच्छा ये तो हो गया डिविजुअल बाय, ये है डिविजुअल बाय, क्या है डिविजुअल बाय 2 है, ठीक है, ये क्या है डिविजुअल बाय 2 है, ये वो नंबर है। तो मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ध्यान रहे। नेक्स्ट में क्या करते हैं, 25 से 50 के बीच में उस नंबर को लिखते हैं जो कि डिविजुअल बाय 3 है। क्या है डिविजुअल बाय 3 है, 3 से जो डिवाइड हो सकते हैं, जो कि 3 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, तो वो नंबर है 27, 30, 33, 36, 39, 42 और 45 और 48, ये नंबर है। अच्छा अब लिखते हैं जो 5 से डिविजिबल हो, किससे 5 से डिविजिबल हो, जो कि 5 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं 25 और 30 के बीच में, तो वो नंबर है हमारे पास, वो नंबर है 30, 35, 40, 45, 30, 35, 40, 45, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि भाई जो 25 से और 30 50 के बीच में जो 2 से भी 3 से भी और 5 से भी डिवाइड हो सकते हैं, जो तीनों के अंदर आते हो, चलो देखो भी कोई नंबर है ऐसा जो तीनों में आते हैं। तो देखो 30 यहाँ पे भी है, अब ये देखो 30 यहाँ पे भी है, ठीक है, चलो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा उसके बाद ये 30 यहाँ पे भी है, इसको मैंने रेड कर दिया ताकि निशान समझ में आ जाए। अच्छा उसके बाद 30 यहाँ पे भी है, तीनों में 30 आ रहा है, ठीक है, तीनों में अगर 30 आ रहा है इट मीन्स ये है कि ये तीनों के अंदर आ रहा है, यानी तीनों से डिविजुअल है, 2 से भी डिविजुअल है, 3 से भी डिविजुअल है और 5 से भी डिविजुअल है। इट मीन्स हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 30। ये देखो मैंने जो फाइनल आंसर जो आ गया हमारा, क्या है आंसर इज 30, क्या है 30 आंसर आ गया हमारा, तो मैंने ये लिख दिया है। तो कैसे आया कि तीनों के अंदर है, ये 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है, और कमाल की बात है ये 25 से लेकर 30 के बीच में भी आता है, तो हमारा आंसर आ गया 30, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अ स्मॉल एंट क्लिम 3 सेंटीमीटर इन 1 मिनट। एक छोटी सी चींटी जो है वो 3 सेंटीमीटर तक क्लिम कर सकती है, चढ़ सकती है 1 मिनट के अंदर, विद स्लिप 2 सेंटीमीटर डाउन। अच्छा और उसके बाद वो क्या करती है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर नीचे भी आ जाती है, 3 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ती है, 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाती है गिर करके। तो आपको बताना है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच टू क्लिम 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर पहुंचने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, ठीक है भाई, 1 सेंटीमीटर पहुंचने के लिए उसे कितना लग जा रहा है, 1 मिनट लग जा रहा है, तो 2 सेंटीमीटर पहुंचने के लिए कितना लगेगा, 2 लग जाएगा। कैसे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में तो वो वैसे तो 3 सेंटीमीटर तक पहुंच रही है, ठीक है, लेकिन 3 सेंटीमीटर पहुंच के गिर भी जा रही है, कितना गिर रही है, 2 सेंटीमीटर गिर जा रही है, तो 3 - 2 करके निकलता है, यानी कि 1 मिनट में 1, देखो लिखा है ना मैंने 1 मिनट में 1, 2 मिनट का निकालना है, 2 मिनट में 2 सेंटीमीटर, कैसे डिटेल में देख लो, इस तरह लिखेंगे आंसर, लिखेंगे कि गिवन डैट स्मॉल एंट क्लिम 3 सेंटीमीटर 1 मिनट, 3 सेंटीमीटर 1 मिनट में क्लिम करती है बट स्लिप हो जाती है वो 2 सेंटीमीटर, यानी कि जो मतलब ऊपर चढ़ने के बाद 3 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ने के बाद 2 सेंटीमीटर नीचे गिर जाती है। इट मीन्स ये है कि 1 मिनट में वो कितना चढ़ती है, 1 सेंटीमीटर, कैसे 3 चढ़ के 2 सेंटीमीटर गिर गई, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर आ गया, तो 1 सेंटीमीटर एग्जैक्टली 1 मिनट में चढ़ रहे हैं, तो 2 मिनट में कितना चढ़ेगी, 2 मिनट में 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा कि इन 2 मिनट इट विल कवर 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस, यानी कि 2 मिनट के अंदर वो 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगी, कौन कर लेगी, वो छोटी सी चींटी कवर कर लेगी, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, लेकिन उससे पहले एक टेबल है, और इस टेबल को अब ध्यान से देखो भाई, इस टेबल को क्या है, जब ये टेबल ध्यान से देखोगे, जब बच्चे वो जो घूमने जा रहे थे वो अब बोटिंग करने वाले हैं, और जो बोटिंग करेंगे बोटिंग के बारे में कुछ डिटेल की बने कि अलग अलग बोट का क्या क्या कॉस्ट है, तो देखते हैं। सबसे पहले है नेम ऑफ बोट, फिर प्राइस है उनका, टिकट कितना लगेगा, और फिर टाइम कितनी देर तक मिलेगा घूमने का, मतलब बोटिंग करने के लिए कितना टाइम मिलेगा। तो डबल डेकर जो बोट है ये भाई 30 रुपीज़ का है, और 30 रुपीज़ लगते हैं इसमें, और कितनी देर तक, 45 मिनट तक। अब पैडल बोट है उसमें जो पैडल यानी कि पैडल मार के जो बोट में जो बोटिंग करते हैं वो उसका कॉस्ट है 15 रुपीज, और कितनी देर, हाफ आवर के लिए यानी 30 मिनट के लिए। और नेक्स्ट है मोटर बोट, मोटर बोट का कॉस्ट कितना है, जो टिकट लगती है वो 25 रुपीज लगती है, और कितनी देर के लिए, 20 मिनट के लिए। लास्ट में है बोट विथ और
ये इसका कॉस्ट है 15 रुपीज, और कितनी देर के लिए, 45 मिनट के लिए। ठीक है, ये तो भाई प्राइस लिस्ट हो गई एक तरह से, ठीक है, अलग अलग बोट का जो सब बच्चे देख रहे हैं, ये टीचर भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं। अच्छा, बोटिंग के लिए इतना पैसा लगेगा, ठीक है भाई, देखते हैं। अब देखते हैं भाई कैलकुलेशन कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो भाई क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 22। अब इंदिरा आर एंड भानु दो बच्चे हैं, ये रहे भाई दो बच्चों, इंदिरा एंड भानु, ये दो बच्चे जो दिख रहे हैं भाई, अब ये लोग क्या करने वाले हैं। इंदिरा एंड भानु फर्स्ट वेंट टू द मोटर बोट एंड देन टुक द ऑफ बोट। इंदिरा एंड भानु ने भाई दो बोट में घूमने का मन बना लिया कि भाई हम लोग तो घूमेंगे भाई। ठीक है, कौन कौन से बोट में, मोटर बोट पे और बोट पे। ठीक है, ये देखो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कौन कौन से मोटर बोट में वो लोग पहले घूमेंगे, उसके बाद वो और बोट में ही घूमेंगे। तो आपको ये बताना है कि भाई हाउ मच डिड दे पे फॉर बोथ द बोट, तो उसको टोटल कितने पैसे लगे वो बताने हैं। ठीक है भाई, फिर बताना है हाउ मच टाइम डिड दे गेट फॉर बोथ राइड, अब राइड के निकले जो तुमने एंजॉय किया इतने दोनों बोट में मिला के कितनी देर किया। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग बेटा फर्स्ट वाले का, तो फर्स्ट वाले में इसमें ये है टोटल मनी जो दिया गया है, टोटल मनी पेड बाय, टोटल मनी इंदिरा एंड भानु पेड फॉर द मोटर बोट, मोटर बोट के लिए कितना दोनों ने दिया, एक बच्चे से कितना ले रहे हैं मोटर बोट का, तो मोटर बोट का कॉस्ट है बेटा देखो 25 रुपीज। कितने बच्चे गए, दो बच्चे गए ये दोनों, तो 25 प्लस 25, ठीक है, तो 25 प्लस 25 यानी कि 50 हो गया। ठीक है, ये आ गया पहले का आंसर, फर्स्ट का आंसर हो गया कितना, 50 रुपीज हो गया। अच्छा, ये तो किसका हुआ, मोटर बोट का हुआ। ठीक है, उसके बाद मोटर बोट के बाद एक और बोट कौन है, और बोट, और बोट का कॉस्ट कितना है देख लेते हैं भाई, और बोट का है भाई बोट भी और ये रहा भाई 15 रुपीज है, यानी एक बच्चे का 15 लग रहा है, तो दो बच्चे का कितना लगेगा, 15 प्लस 15, यानी 15 प्लस 15 इट मीन्स 30 हो गया, 30 रुपीज हो गया। तो यहाँ लिख दोगे 30 रुपीज तो लग गए भाई और बोट में दोनों के मिला के, और 50 रुपीज लग गए मोटर बोट में। अब दोनों को जब प्लस करेंगे यानी कि टोटल मनी, तो टोटल मनी इंदिरा एंड भानु पेड फॉर द मोटर बोट एंड और बोट इज रुपीज 50 प्लस 30। 50 कैसे है, इन दोनों को प्लस करके लिया है कि दोनों का मोटर बोट का कॉस्ट कितना है 50 है, दोनों का और बोट का कॉस्ट कितना है 30 है, तो इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो 30 आ गया, यानी 50 ये 30 ये कंबाइंड हो गया हमारे पास 80 रुपीज प्लस करने के बाद। ठीक है, अब टाइम की बात करते हैं भाई, पहले तो हमने पैसे की बात कर ली, अब टाइम देख लेते हैं हाउ मच टाइम। तो फर्स्ट और बोट पहले देख लेते हैं मोटर बोट, तो मोटर बोट में कितनी देर मिलती है, मोटर बोट में भैया मिलती है 20 मिनट। ठीक है, मोटर बोट में 20 मिनट, और बोट में कितना है 45 मिनट, मोटर बोट में 20 मिनट और बोट में कितना है 45 मिनट। ठीक है, तो ये लिख देंगे हम 20 प्लस 45। अब कह रहे हो सर ये 20 प्लस 20 क्यों नहीं किया यहाँ पे, कुछ बच्चे कहेंगे सर आप यहाँ 20 प्लस 20 क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि भैया इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोनों बच्चे एक साथ घूम रहे हैं ना, एक एक करके थोड़ी घूम रहे हैं, एक बार इसने मजे करें फिर दूसरे बच्चे ने मजे, नहीं 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 दोनों ने एक साथ बैठ के बोटिंग करी उसके अंदर, इसलिए मैं इसमें प्लस नहीं कर रहा हूँ 20 प्लस 20। ठीक है, एक ही बच्चे का काउंट कर रहा क्यों, कि दोनों ने एक साथ बोटिंग करी, और यहाँ पे भी 45 प्लस 45 नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों ने एक साथ बोटिंग करी। ठीक है, अब टोटल टाइम निकाल लेते हैं दोनों बोट का, यानी कि मोटर बोट और बोट का, तो 20 प्लस 45, 20 प्लस 45, 20 किसका, मोटर बोट का, और बोट का कितना है 45, तो टोटल हो गया 65 मिनट्स, यानी कि 1 आवर 5 मिनट भी बोल सकते हैं इसे, या फिर 65 मिनट्स दोनों को प्लस करके आया। तो इंदिरा और भानु ने तो मतलब बोटिंग करी 65 मिनट करी, 20 मिनट मोटर बोट में, 45 मिनट और बोट में किए। अब कमेंट करके ये बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने बोटिंग करी है, तो अपने बारे में मुझे जरूर बताना भाई कमेंट करके कि कितने बच्चों ने बोटिंग कर रखी है भाई। ठीक है, और कहाँ पे करी ये भी बता सकते हो। चलो मैं देखूंगा भाई कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बोटिंग कर रखी है। चलो आओ अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वेंट फॉर डबल डेकर ट्रिप। तो एक जो ग्रुप ऑफ बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं, उन्होंने डिसाइड किया भी हम लोग ये डबल डेकर जो ट्रिप है ना, जो बड़ी सी बोट है उसके ऊपर हम लोग ट्रिप करेंगे। दे पेड 450 रुपीज इन टोटल, उन सब ने टोटल जो पैसे दिए सब मिला करके वो 450 दिए। ठीक है भाई, 450 दे दिया। अब आपको ये बताना है हाउ मेनी चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताना है। टोटल पैसे कितने हैं, ये 450 दिया है, तो 450 को डिवाइड कर लेंगे इसके कॉस्ट से। कॉस्ट क्या है चलो देख लेते हैं, डबल डेकर ट्रिप के लिए कितना लगता है, 30 रुपीज लगता है, ये लिखा है ना, डबल डेकर बोट के लिए कितना, 30 रुपीज लगता है। कितने बच्चे का, एक बच्चे का 30 रुपीज,
और कितने बच्चे चढ़े हैं भाई? और बच्चे जो चढ़े हैं भाई वो चढ़े हैं कितने वो निकालने में, ठीक है? 415 उन्होंने टोटल दिया है। तो क्वेश्चन ऐसे लिखोगे, टू मनी स्पेंड बाय द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन फॉर डबल डेकर ट्रिप इज 450। 450 उन्होंने पेमेंट कर दिया सबने पैसे इकट्ठा करके। अच्छा, प्राइस पेड फॉर द डबल डेकर ट्रिप पर चाइल्ड के लिए कितना है? 30 रुपीज है एक बच्चे के लिए, ठीक है भाई। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप कितने। तो टोटल रुपी टोटल पेमेंट जितनी भी है, टोटल पेमेंट का मतलब है टोटल पेड डिवाइडेड बाय जितने भी पैसे हैं उसको डिवाइड करेंगे टोटल पेमेंट को। नंबर ऑफ क्या नाम है, वन एक बच्चे का कॉस्ट है, यानी कि टोटल रुपीज जितने भी लगे हैं उसको डिवाइड करेंगे जो टिकट का प्राइस है उससे। तो यानी कि 45 को 45 नहीं सॉरी 450 को डिवाइड करेंगे 30 रुपीज से, यानी कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं 450 डिवाइडेड बाय, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय इसे करेंगे एक मिनट सॉरी ये करेंगे डिवाइडेड बाय 30 कर लेंगे, ठीक है। ये देखो यहीं पे है ना, ये रुपीस लगा दिया, रुपीस चलो हटा भी देता हूँ, एक मिनट ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं इसे, ठीक है। ये लो भाई क्या किया मैंने, ये भाई ब्रैकेट में लगा दिया ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। कि भाई 450 रुपीज क्या था, ये कॉस्ट था भाई, है ना, कॉस्ट था ना 450 टोटल, और पर हेड एक एक बच्चे का कितना था, 30 रुपीज था। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो 450 को 30 से डिवाइड करोगे तो 45 आएगा। इट मीन्स ये हुआ जो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन जो गए हैं वो ये डबल डेकर बोर्ड के ऊपर वो गए हैं 15 स्टूडेंट गए हैं, 15 स्टूडेंट यानी कि 15 चिल्ड्रन गए हुए हैं, उन्होंने कितना पैसा दिया सब मिला करके, 450 रुपीज दिया, ठीक है। तो आंसर कितना है, 15 चिल्ड्रन। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, विच बोट मेक्स टू ट्रिप इन वन आवर, कौन सी ऐसी बोट है जो एक घंटे में दो ट्रिप लगा लेती है, एक घंटे के अंदर जो दो ट्रिप लगा लेती है, यानी कि जो आधे घंटे वाली जो ट्रिप है यानी कि 30 मिनट जो लेती है। तो चलो लिस्ट को देखते हैं दोबारा से एक बार कि कौन सी ऐसी बोट है जो 30 मिनट के लिए अवेलेबल है, 30 मिनट टाइम, तो 30 मिनट के लिए है भाई, ये तो 45 मिनट है, ये नहीं हो सकता। हाँ भाई मिल गया भाई, ये देखो 30 मिनट, कौन सी बोट है, पेडल बोट, ये 20 है ये वाली नहीं, ये 45 है ये वाला भी नहीं लेंगे, तो 30 मिनट वाला कौन सा है, पेडल बोट। तो पैडल बोट जो है उसे हम 30 मिनट के लिए मिलता है, यानी कि एक घंटे के अंदर जो टू ट्रिप लगा सकती है, कौन सी, पैडल बोट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 30, ये हो गया पैडल बोट। तो आंसर लिखोगे कुछ इस तरह से, देखो कैसे लिखेंगे कि विच बोट मेक्स टू ट्रिप इन वन आवर, एक घंटे के अंदर कौन सी बोट ट्रिप लगा लेती है, तो वो लिखोगे पैडल बोट। किस तरह से, ऐसे वन, वी नो वन आवर इज इक्वल टू 30 मिनट, वन आवर का मतलब है 30 मिनट, तो पैडल बोट जो वो कितना, 30 मिनट, 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट, ठीक है चलो थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, 60 मिनट, और पैडल बोट कितना लेती है, 30 मिनट लेती है कंप्लीट करने के लिए एक ट्रिप के लिए। तो फिर लिखते हैं, हेंस द पैडल बोट विल टेक टू ट्रिप इन 60 मिनट, 60 मिनट के अंदर वो दो ट्रिप लेके जाएगी, डेट इज 1 आवर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो जाएगा हमारा पैडल बोट, क्या हो जाएगा, पैडल बोट। चलो मैं थोड़ा सा इसे अलग कलर से लिख देता हूँ, रेड कर देता हूँ इसे ताकि पहचान सको कौन सी बोट है, वो है पैडल बोट जो कि 30 मिनट में एक ट्रिप लगाती है, दो ट्रिप लगाने के लिए उसे 60 मिनट लगे, और 60 मिनट ही इक्वल होते हैं 1 आवर के, ठीक है ये तो हमें पता ही है कि 60 मिनट का मतलब क्या है, 60 मिनट का मतलब है, ये देखो ये हाईलाइट कर रहा हूँ, 60 मिनट का मतलब होता है 1 आवर, ठीक है। यानी कि एक घंटे में दो ट्रिप कौन सी लगाती है, पैडल बोट लगाती है, ये हमारा आंसर हो गया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में मैं एक बार दोबारा रीड कर रहा हूं और ध्यान से सुनना भाई क्या है इसके अंदर। विच बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट वन ट्रिप, कौन सी ऐसी बोट है जो आधे घंटे से भी कम टाइम लेती है, विच बोट, कौन सी बोट टेक्स लेस देन हाफ आवर, जो लेती है हाफ आवर से भी कम लेती है, हाफ आवर का मतलब है 30 मिनट, उससे भी कम लगती है टू कंप्लीट वन ट्रिप, वन ट्रिप को कंप्लीट करने में हाफ आवर से भी कम लेती है। दोबारा भी लिस्ट को देखते हैं, चलो अब लिस्ट में क्या है, हाफ आवर से कम, हाफ आवर से कम यानी कि 30 मिनट से कम, ये 45, 30 से ज्यादा है 30, ये भी ज्यादा है। तो भाई ये देखो हाफ आवर से कम लेने वाली कौन है, 30 मिनट से कम कौन सी है, ये भाई इकलौती बोट है मोटर बोट जो कि लेती है 20 मिनट, बाकी 45 तो नहीं है, ये तो ज्यादा हो गया, तो 20 मिनट लेने वाली बोट कौन सी है, वो है मोटर बोट। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा मोटर बोट, कौन सा होगा, मोटर बोट हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं आंसर ऐसे कुछ इस तरह से कि वी नो हाफ आवर इज, हाफ आवर जो होता है वो हाफ एन आवर का मतलब होता है 30 मिनट्स, हम लोग जानते हैं, पहले तो ये लिख देंगे।
फ्रॉम टेबल, हमने कहां से देखा, टेबल से देखा। मोटर बोट टेक्स 30 मिनट टू कंप्लीट अ ट्रिप, मोटर बोट कितना लेती है, 30 मिनट से कम लेती है ट्रिप को कंप्लीट करने में, ठीक है। ये 30 नहीं लेती बेटा, ये 20 लेती है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे, कितना 20 मिनट लेती है एक ट्रिप के लिए, कितना लेती है 20 मिनट लेती है, 30 मिनट तो हाफ एन आवर होता है, ठीक है। और मोटर बोट कितना लेती है, ये 20 मिनट लेती है, मैंने करेक्शन कर दिया, 20 मिनट ले रही। कैसे पता लगा भाई, हमें पता लगा भाई ये टेबल देख करके, कहाँ से, टेबल देख के पता लगा। ये देखो टेबल में क्या है, 20 मिनट है, मोटर बोट कितना लेती है, 20 मिनट लेती है, जो 20 मिनट का मतलब है ये हाफ एन आवर से कम है, हाफ एन आवर का मतलब है जो आधे घंटे से कम, यानी कि 30 मिनट से कम है। तो हमने आंसर क्या लिखा, आंसर लिख लिया हमने भाई क्या आंसर, 20 मिनट से कम लेने वाली कौन सी बोट है, वो मोटर बोट है। तो लिखोगे टू कंप्लीट अ ट्रिप, हेंस मोटर बोट, कौन सी बोट, मोटर बोट टेक्स लेस देन 30 मिनट टू कंप्लीट वन ट्रिप। कौन सी बोट, मोटर बोट ऐसी है जो लेस देन हाफ एन आवर ले रही है, यानी आधे घंटे से कम लेती है एक ट्रिप को कंप्लीट करने में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मोटर बोट। और क्या लेकर लेती है वो, 20 मिनट, कितनी देर लेती है ये देखो, मोटर बोट टेक्स 20 मिनट। ये मैंने एक बार हाईलाइट कर दिया आपके समझाने के लिए, ठीक है, चलो लिख लोगे इसे, इजी है ना। टेबल देखोगे ठीक से बेटा समझ में आ जाएगा, इसलिए टेबल को अच्छे से देखना है जब क्वेश्चन में, एग्जाम में आ जाए तो जब भी क्वेश्चन आए इसको ठीक से पढ़ो, टेबल को अच्छे से देखो, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है अगर टेबल समझ में आ गया तो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या है ये देखो, विच बोट गिव्स देम द मोस्ट टाइम टेकिंग द लीस्ट मनी, कौन सी ऐसी बोट है जो कम पैसे ले रही है और सबसे ज्यादा टाइम देती है भाई घूमने के लिए, बोटिंग करने के लिए, मजे करने के लिए। तो वो है देखो ₹15 सबसे कम चार्ज हो रहा है, ठीक है। और कौन चार्ज कर रहा है, ये चार्ज कर रहा है भाई पैडल बोट, कौन सा, पैडल बोट सबसे कम, अच्छा। और कितनी देर के लिए, तो ये चार्ज एंड और, लेकिन कितनी देर के लिए ये मिलता है, चलो देख लेते हैं भाई, ये तो टेबल देखना ही पड़ेगा लगता है भाई, ऐसे तो नहीं पता लगेगा। तो ये देखो 45 मिनट मिलते हैं दो बोट में, एक 45 मिनट, एक तो भाई ये किसमें 45 मिनट मिलता है हमें डबल डेकर में, किसमें, डबल डेकर में, और 45 मिलता है किसमें, और बोट में, इन दोनों में सबसे ज्यादा टाइम मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम पैसे की बात करें भाई, सबसे कम पैसे जो लगते हैं वो लगते हैं बोट विद और जिसमें ₹15, और पैडल बोट जिसमें ₹15। लेकिन पैडल बोट में क्या 30 मिनट मिलता है, और इसमें कितना, बोट विद और में कितना मिलता है, 45 मिनट मिलता है। तो भाई सबसे ज्यादा मौज किसमें हो रही है, सबसे ज्यादा कम पैसे में मौज हो रही है बोट विद और में हो रही है, ठीक है। इसके अंदर पैसे भी सबसे कम लग रहे हैं और टाइम भी सबसे ज्यादा लग रहा है, मिल रहा है बोटिंग के लिए। तो हमारा आंसर बेटा कुछ इस तरह से हो सकता है कि ₹15 चार्ज करता है पैडल बोट, ठीक है, और मोटर बोट, दोनों में 15 15 रुपीज लग रहे हैं, ठीक है। और जो और बोट है जो टाइम ज्यादा दे रहा है, बट जो और बोट है, और बोट जो गिव गिव द मोर कंपेयर टू द गिवन पेडल बोट, जो और बोट है ये ज्यादा टाइम दे रहा है हमें, कितना, ये दे रहा है 45 मिनट, पेडल बोट कितना दे रहा है 30 मिनट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर होगा और बोट, या फिर बोट विद और इज द आंसर, क्यों, क्योंकि वो सबसे कम पैसे ले रहा है ₹15, और सबसे ज्यादा टाइम दे रहा है, टाइम कितना दे रहा है 30 मिनट्स दे रहा है, ठीक है, कितना, सॉरी 30 मिनट्स नहीं, 45 मिनट्स दे रहा है, टाइम 45 मिनट्स दे रहा है, और पैसे कितना ले रहा है 15 ले रहा है। यानी कि सबसे अच्छा बोट हमारे लिए, बच्चे के लिए मौज करने के लिए सबसे अच्छी बोट कौन सी हो गई हमारे लिए, तो भाई हमारी ये देखो, ये ₹15 ले रहा है ये सबसे कम, और सबसे ज्यादा ट्रिप टाइम भी दे रहा है 45 मिनट। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोट विद और, या फिर हम बोल सकते हैं और बोट हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया आंसर हमारा, अच्छा इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, अब तीन चार क्वेश्चन और रह गए बस खत्म, अब विद इन 5 7 7 7 मिनट में खत्म हो जाएगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 27, जावेद वेंट ट्वाइस फॉर बोटिंग, जावेद जो है ट्वाइस, दो बार जाता है बोटिंग कर ले, ही पेड ₹40 एंड एंड बोटेड 50 मिनट्स, वो ₹40 टोटल देता है अलग अलग बोटिंग करने के लिए दो बार, और उसने स्पेंड किया है 50 मिनट स्पेंड कर दिया। तो आपको ये बताने, वो दो बोट जो उसने यूज करी कौन कौन सी है, ठीक है, वो बतानी है। तो आप लिख सकते हो जावेद टू पैडल बोट एंड मोटर बोट, कौन कौन सी बोट यूज किया उसने, पैडल, ठीक है, फर्स्ट उसने पैडल यूज किया, सेकेंड उसने मोटर बोट यूज किया। कैसे पता लगा, तो भाई अभी तो टेबल देखना पड़ेगा भाई, दोनों का टाइम कितना है, दोनों का टाइम जो है वो 50 मिनट है।
टोटल मिला के कैसे देख लेते हैं भाई टेबल। पैडल बोट और मोटर बोट। पैडल बोट देखो ये रहा पैडल बोट और ये मोटर बोट, दोनों में 30 और 20 यानी कि दोनों का प्लस करने के बाद कितना आ रहा है 15 मिनट आ रहे हैं ठीक है। और कॉस्ट कितना आ रहा है, कॉस्ट आ रहा है 15 प्लस 25 यानी कि 15 में अगर 25 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 40 रुपीज हो जाएगा ठीक है। कितना है 40 रुपीज और 50 मिनट हो गए ठीक है। तो आंसर हमने क्या लिख लिया, कुछ इस तरह लिखेंगे आंसर। देखो बच्चों हाँ तो आंसर लिखोगे इस तरह, देखो टोटल मनी कितना दिया उसने, मनी दिया उसने 40 रुपीज ठीक है। अच्छा और टाइम कितना स्पेंड किया, मनी कितना है 40 रुपीज दिया उसने दोनों का कंबाइंड, और टाइम कितना स्पेंड किया, टाइम स्पेंड किया 50 मिनट्स ठीक है। और कौन सा बोट है वो, पैडल बोट एंड मोटर बोट ठीक है। तो आंसर लिख सकते हो कि आंसर क्या है, पैडल बोट एंड मोटर बोट। टाइम स्पेंड कितना है 50 मिनट्स और अमाउंट पेड है 40 रुपीज ठीक है। कैसे पता लगा, हमने टेबल देखा। चाहो तो ये वाला पार्ट रिमूव भी कर सकते हो, ये जो पार्ट है ना इसको रिमूव भी कर सकते, इतना लिखने से भी हो जाएगा ठीक है, इतना लिखने से भी हो जाएगा आंसर ठीक है बच्चों। तो ये दोनों बोट है, टाइम इतना है, पैसे इतने हैं, इतना ही बोला गया था, टाइम ये रहा पैसे ये रहा इतने लगे थे ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। इसमें ये है चिल्ड्रन इंजॉय डिफरेंट बोट राइडिंग टिल 4 o'clock। अच्छा वो जो पिकनिक पे हम लोग गए थे, ट्रिप पे गए थे हम बच्चे सारे, उन लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत मस्ती करा उन लोगों ने और खूब, और इंजॉय करते करते उनको कितने बज गए, 4 o'clock हो गए। कितना हो गया, 4 o'clock हो गया ठीक है। इट इज टाइम टू रिटर्न, अब टाइम हो गया कि भाई वापस जाने का। पहले हम लोग वहां पे पेंटिंग देखा हम लोगों ने, वहां पे डियर्स वगैरह के उन्होंने वो मतलब काउंटिंग भी करी उन्होंने, फिर बोटिंग भी करी, खाना भी खा लिया। तो अब 4 बज गए भाई, अब तो वापस चलने का टाइम है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, नाउ दे विल नॉट नॉट स्टॉप एनी वेयर एंड रीच बैक इन 2 आवर्स। अब क्या हुआ, पहले तो उनको बीच में पेट्रोल लेना पड़ा था आते टाइम, लेकिन जब वापस जा रहे हैं तो उन्होंने कुछ भी नहीं लिया ठीक है, कुछ भी नहीं लिया उन्होंने, कोई पेट्रोल वेट्रोल लेने की जरूरत नहीं पड़ी उन्हें। और बिना रुक के बस में एक बार बैठे और सीधा अपने घर की तरफ निकल गए। दे शुड रीच होशंगाबाद, कहाँ से चले थे, उनका स्कूल कहाँ पे था, होशंगाबाद। तो होशंगाबाद से जब वो चले थे वापस होशंगाबाद आ रहे हैं, और तो बताना कितने बजे पहुंचेंगे, 2 घंटे लगते हैं ठीक है, और 4 बजे चले तो यानी कि 6 o'clock। कैसे, स्टार्टिंग टाइम प्लस टाइम टेकन, तो टाइम टेकन यानी टाइम टेक टू रीच, यानी 4 o'clock चले थे, 2 घंटे लग गए, दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाए 6 o'clock, यानी कि 6 o'clock को वो होशंगाबाद पहुंच गए ठीक है। 4 बजे चले थे, 2 घंटे लग गए, तो 6 o'clock, क्यों बीच में हम रुके ही नहीं, तो बस वही टाइम होएगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा 29 में ये है, देर आर 4 वेरी ओल्ड केव पेंटिंग। अब जो वहां पे उन्होंने 4 बहुत पुराने पेंटिंग देखा था उन्होंने, वहां पे कहां पे, भीमबेटका में उन्होंने पेंटिंग देखी थी। तो आपको मार्क करना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, स्टोरी के अंदर आपके बुक के अंदर ही है, एक बार दोबारा दोबारा इस वीडियो के बाद भी देख सकते हो चाहो तो स्टोरी को अच्छे से डिटेल में। तो वो जो है वो पेंटिंग कितनी पुरानी थी, तो पुरानी थी 8500 ईयर्स ओल्ड। 8500 बहुत ज्यादा हो गया भाई ये तो, है ना। तो लिख सकते हो अमंग द केव पेंटिंग 85 ईयर ओल्ड इज द ओल्डेस्ट केव पेंटिंग। तो केव पेंटिंग में सबसे पुराना जो था वो था 85 ईयर ओल्ड वाले जो सबसे पुराना था। सी आंसर इसका करेक्ट है ठीक है बेटा, एक बार वीडियो के बाद भी बुक में से भी देखना है आपको ठीक है, तो वहां से भी पता लग जाएगा। चलो क्योंकि अब थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में करा रहा हूँ आपको। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है 30 क्वेश्चन। वन बस कैन कैरी 48 चिल्ड्रन, एक बस के अंदर 48, अगर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन, मतलब थोड़ा जो जो आप लोगों ने पहले कैलकुलेशन सीखा था इस ट्रिप के हिसाब से, तो थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई करके एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक बस में 48 चिल्ड्रन है, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन कैन थ्री बस कैरी। तो 3 बस में कितना कैरी कर, एक बस कैरी कर सकता है 48, तो आपको बताना है कि भाई 3 बस में कितना कैरी कर सकता है अप्रोक्सीमेटली, आपको ये बताना है 3 बस के लिए बताना है आपको ठीक है। तो इसको क्या करोगे, 48 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ठीक है, 48 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना आंसर आता है। तो ये देखो मैंने यहाँ सोल्यूशन किया हुआ है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वन बस कितना है, तो 48, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन थ्री बस कैन कैरी 48 मल्टीप्लाई बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 3, तो जब मल्टीप्लाई करते हो 144 आता है। तो देर आर अबाउट 150 स्टूडेंट, लगभग लगभग कितना है 150 स्टूडेंट। तो इसके नियर नियर अबाउट जो आंसर आता है, 100 से तो काम नहीं चलेगा भाई, क्योंकि अगर 100 यूज करोगे, 100 वाली बस यूज करोगे 3 बस, तो भाई बाकी जो 44 बच्चे हैं उनको खड़ा रहना पड़ जाएगा, तो वो तो नहीं करेंगे। एक बस में कितना था, 50 बच्चे आ सकते थे,
तो भाई वो तो नहीं हो सकता भाई, क्योंकि इतने बच्चों को खड़ा रखना ठीक नहीं है। दूसरा ये 200, 200 के लिए हो तो सकता है, पर एक बस एक्स्ट्रा ले जाने का कोई फायदा नहीं, खाली बस लेके थोड़ी जाना है। तो 3 बस सफिशियंट है, ठीक है। 3 बस में कितना, जो नियर अबाउट जो आंसर है 150 है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया 150, ठीक है। तो यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपको और नोट, ये जो लेट एग्जाम होता है बेटा उसके हिसाब से क्वेश्चन डिजाइन किया है मैंने आपके लिए। जो लेट एग्जाम है, लेट एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके कि भी आपसे ये पूछा, जैसे ये देखो एमसीक्यू वाले, जिसको आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए और करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए। तो इसलिए ये 2-3 क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूँ यहाँ पे लास्ट में, ताकि आप लेट की प्रिपरेशन भी आपकी अच्छे से हो सके, जिसको अभी जो होंगे आपकी क्लास में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन की तरफ है, बस लेट का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसमें ये है, विच पेयर ऑफ नंबर्स एड टू मेक मोर देन 500, इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि मोर देन 500 बना देगा, यानी कि इनको प्लस करने के बाद 500 से ज्यादा आएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 by 1 प्लस कर देंगे। तो क्या करेंगे, प्लस करोगे तो सबसे पहले 152 और प्लस 241 को प्लस करेंगे, तो वो आ गया 393 आ गया। नेक्स्ट है 321 को और 192 को, इसको प्लस किया तो ये आ गया 513 आ गया। और इसी तरह जो बाकी हमने प्लस किया तो आंसर क्या है, 398, 492। तो इसमें ये दिख रहा है कि 500 से ज्यादा वाला कौन सा है, ये है, यानी कि ये जो दिख रहा है ये 500 से ज्यादा है, यानी कि क्वेश्चन में ये है थ्री, ये है बी ऑप्शन में। तो लिखोगे देयरफॉर 321 प्लस 192 गिव्स 400, नहीं सॉरी 513, ठीक है, ये ज्यादा दे रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी दे रहा है ये। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो राइट आंसर इज बी। कैसे पता लगा है, सबको एक एक बार प्लस करेंगे। अब प्लस करने के बाद जिसका आंसर 500 से ज्यादा आ रहा है, क्यों, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि 500 से ज्यादा वाला, तो ये आ रहा है बी में, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा ऐसे सॉल्व करोगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये मैंने लेट के भी आपको तीन तीन क्वेश्चन करा दिए, वो इसलिए क्योंकि एग्जाम में अगर आ जाए तो आपके पास आंसर होने चाहिए, आपको करना आना चाहिए, जब भी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इस चैप्टर का अब ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ टाइमिंग दे रखा है आपको कि नर्मदा रिवर कब क्रॉस किया था, तो भाई ये किया था 9 बजे, तो हम लोग चले थे तो 10 मिनट के बाद आ गया था, तो ये आपके पास आ गया इसमें। तो उस तरह भाई ये कि लुक एट द भीम बेट का पेंटिंग, भीम बेट का कितने बजे देखा था, पेट्रोल पंप पे कितने बजे पहुंचे थे, बोटिंग टाइम कितने बजे हुए, लंच कितने बजे किया था, और उसके बाद रिटर्न कितने बजे आए थे, ये कुछ कुछ टाइमिंग है। तो रिटर्न तो भाई 6 o'clock आए थे, हमने कैलकुलेट किया था, है ना। तो बाकी चीजें हैं इससे रिलेटेड, तो ये इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे, इस तरह लिखना है और ये, और देखो मैंने आपके लिए सॉल्व भी किया होगा, कुछ इस तरह से सॉल्व करोगे। सबसे पहले कि क्रॉस नर्मदा रिवर कितने बजे क्रॉस किया था, ये देखो एरो यहां तक आ रहा है, 9:10 o'clock, 9:10 पे हमने क्रॉस कर लिया था। भीम बेट का पेंटिंग कितने बजे देखा था हम लोगों ने, 11:30 बजे जब हम भीम बेट का पहुंच गए थे, तो वह हमने पेंटिंग देखना, पेंटिंग को देखना स्टार्ट किया था कितने बजे, 11:30 बजे, यानी 11:30। नेक्स्ट डे पेट्रोल पंप पे कितने बजे पहुंचे, तो भाई जैसे ही नर्मदा रिवर क्रॉस हुई थी उसके बाद, यानी कि 9:10 के बाद, 9:10 के बाद 9:30 पे हम लोगों ने, वो ड्राइवर अंकल ने उस पर पेट्रोल फिल करवाया था, यानी कि डीजल फिल करवाया था, फ्यूल फिल करवाया था बसेस में, 2 बस में हमने कैलकुलेशन भी किया था, आपको याद है 15-15 मिनट वाला। अच्छा बोटिंग कितने बजे स्टार्ट हुई थी, 4 बजे निकले थे उसे 1 घंटा पहले, यानी 1 घंटे एंजॉय किया था वहां पे, तो भाई 3 बजे हम लोगों ने वहां पे बोटिंग करी थी, ठीक है, क्योंकि 4 बजे हम लोग निकल रहे थे वहां से और 1 घंटा एंजॉय किया था, तो 4 में से 1 माइनस कर दिया, यानी कि 3 o'clock स्टार्ट किया था बोटिंग। लंच कितने बजे किया था, तो भाई 11:30-12:30 बजे हम लोगों ने लंच किया था, ये आ गया। और लास्ट में रिटर्न कब आए थे, रिटर्न तो भाई कितने बजे, 4 बजे चले थे और 6 बजे वापस आ गए, यानी 6 o'clock, ठीक है। तो इस तरह से बेटा मैंने ये पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया, वो एक सिंगल एक वीडियो में, वीडियो थोड़ी बड़ी है, सारा काम करवा दिया मैंने आपके, सारे क्वेश्चन करा दिए, लेट के एग्जाम के हिसाब से करा दिया, पीरियोडिक के हिसाब से करवा दिया, हाफ ईयरली में भी अगर आएगा, किसी भी एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन जितने आ सकते थे मैंने सारे आपके एक वीडियो में करा दिया। तो इसे बार बार देख के रिवाइज करना, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करना, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उसके साथ शेयर भी करना। तो इस चैनल पर फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन पर कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको कैसा लगा नीचे वीडियो में। और इस चैनल पे आपकी क्लासेस के और भी सब्जेक्ट, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, सारे सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे वीडियो। और इसके अलावा आप और भी क्लास में अगर आपके फ्रेंड हैं तो उनको भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों में कि सर ये वीडियो देख सकते हो, किसका, कृष्णा सर का ये वीडियो है, यहाँ देख सकते हो, सर ने पढ़ाया है।
और बाकी और भी कुछ वीडियो देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। और नोटिफिकेशन के लिए क्या करना है, एक बेल आइकन होता है बेटा, उसे भी प्रेस करना। ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके बाय बच्चों।